हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अपन बात करेंगे पैरोट के नेचर के बारे में। तो मेरे पास तीन पैरोट हैं, उसका नाम है रामा, राधे और एक का नाम है कृष्णा। तीनों के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कैसे नेचर का है, कैसे बिहेव करते हैं, मतलब इन तीनों एक दूसरे के साथ रहते तो कैसा बिहेव करते हैं, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा आज। और भाई, जो तीसरा वाला पैरोट है, छोटा वाला, इसका बिहेवियर, इसका नेचर जान के लो आप लोग दंग रह जाओगे। तो पहले बात कर लेते हैं रामा की। जब रामा हमारे पास आया था तभी एक ही महीने का था, अभी ये 2 साल का होने वाला है, इसकी दाढ़ी आ गई है। तो ये बहुत शांत नेचर का है, इसको बस प्यार चाहिए। हम लोग बैठे रहते तो हमारे गोदी में आके बैठ जाता है, कंधे में आके बैठ जाता है और खिलौना से खेलता रहता है। काटता नहीं है ये वाला हम लोग को, एग्रेसिव नहीं है ये, गुस्सा भी नहीं करता है और एकदम शांति से रहता है। और छोटी छोटी हलचल में डर जाता है, जैसे हम खांस देते हैं, छींक देते हैं तो उसमें भी इसका दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लग जाता है। और बोलचाल में देखा जाए तो ये अभी मैं मिट्टू हूँ, मम्मी और कुछ चिड़िया की आवाज़ निकाल लेता है, हा 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 करके हंसता है और कुछ न कुछ सीटी वगैरह मारते रहता है। ये जो छोटा पैरोट है, इसका नाम राधे है। राधे और रामा दोनों बहुत लड़ते हैं साथ में जब आ जाते हैं। और ये जो बड़ा पैरोट है, इसका नाम है कृष्णा। तीनों साथ में जब आ जाते हैं तो बहुत लड़ाई करते हैं इन तीनों। अगर साथ में रामा और कृष्णा हैं तो इन दोनों लड़ाई नहीं करते हैं, इन दोनों शांत नेचर के बहुत। ये छोटा वाला पैरोट है, वही लड़ाई करता है बस। राधे हमेशा आता है, लड़ता है, राधे को किसी बात का डर नहीं है, नीडर है हमेशा। ये बस परेशान करता रहता है राधे और कृष्णा को, इसको कोई ना कोई चाहिए जो लड़ाई करे इसके साथ, इसको खिलौना दे दो तो भी दूसरे का खिलौना जाके लेता है, छीनता है, लड़ाई करता है, ज़बरदस्ती लड़ाई करने में नंबर वन है ये। तो अब बात करते हैं कृष्णा की, जो सबसे बड़ा पैरोट है, ये 15 साल का पैरोट है। तो मेरे पापा के फ्रेंड ने किसी कारण ये पैरोट हमको दे दिया, तो हम लोग ने इसको रख लिया। स्टार्टिंग में जब ये आया तो बहुत गुस्से में रहता था, काटता था हमको, थोड़ा सा इसके पास उंगली भी लाते थे तो उंगली झपटता था। लेकिन अब खुद से बाहर आने लग गया पिंजरे के, स्टार्टिंग में नहीं आता था। अब टच वगैरह भी करने दे देता है ये, प्यार वगैरह करने दे देता है, लेकिन उंगली में अभी तक ये बैठा नहीं हमारे अच्छे से, खुद से आया नहीं है। इसका अभी नेचर देखा जाए तो ये भी शांत मन का है जैसा रामा है, लड़ाई झगड़ा इसको भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन सामने से कोई लड़ता है तो ये भी शांत नहीं रहता है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। इसको आए हुए अभी 4 मंथ हो गए हमारे पास। और बोलचाल में देखा जाए तो इसने मम्मी कहा है, सीटी वगैरह मारी है, ये ज़्यादा बोलता नहीं है क्योंकि ये हम लोग के पास 15 साल के बाद है। धीरे धीरे पहले से फ्रैंक होते जा रहा है ये, और बातचीत भी पहले से ज़्यादा करता है। जैसे ये हम लोग काम वगैरह करके घर आते हैं तो ये सीटी मारता है कि हाँ आ गए हैं, भैया आ गए हैं, पापा आ गए हैं घर के। हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, फिर घर आते हैं वापस तो ये ज़ोर ज़ोर से सीटी मारते हैं, मिट्ठू मिट्ठू करके बात करता है। और ये भी थोड़ा सा डरपोक नेचर का है, छोटी छोटी आवाज़ में डर जाता है, लेकिन रामा से ज़्यादा नहीं डरता है, रामा थोड़ा ज़्यादा ही डर जाता है, ये थोड़ा नॉर्मल डरता है बस। कृष्णा और रामा दोनों साथ में एकदम शांति से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते उतना। अब बात कर लेते हैं छोटे पैरोट की। भाई, इसका नेचर जान के तो दंग रह जाओगे, इसको तो पसंद ही नहीं है कि हम लोग इसको टच करें, लड़ता रहता है, कृष्णा से लड़ते रहेगा, राधे से लड़ता रहेगा, खिलौना दे दो तो अपना खिलौना छोड़ के इन लोग का खिलौना पकड़ लेता है जाके, कुछ खाने का दे दो तो अपना खाना छोड़ के इन लोग का खाना खाने के लिए आ जाता है, लड़ता है इन लोग से, कृष्णा से तो बहुत लड़ाई करता है ये। इसके पास कुछ भी सामान हो अपना सामान छोड़ के इसके पास चला जाता है, कभी कभी रामा के पास तो जाता नहीं है लेकिन इसके पास आते ही है। इसके पास आएगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, आवाज़ करेगा और इसको काटेगा, इसको चोंच में मारेगा, इसका खिलौना छीन लेता है, इसका खाना छीन लेता है। इसलिए हम लोग अलग अलग रखते हैं अब ज़्यादातर इन लोग को, बहुत साथ में मिलाते थे पहले कि हाँ दोस्ती हो जाए करके, लेकिन राधे शांत रहते ही नहीं है और लड़ाई करने आ ही जाता है बार बार। बहुत हम लोग ट्राई कर लिए, एकदम मतलब गिरफ्तार है, मस्ती खो रहे, बहुत बड़ा चलाक है एकदम, किसी बात का डर नहीं है इसको, बस पंगा लेने बोल दो इसको, टच करने देता नहीं है। देखो कैसे काटेगा, अभी देखते जाओ, फिर देखते देखो एकदम चिड़चिड़ करता है इसको टच करने पे। डोंट एंग्री मी वाला किस्सा है इसके साथ। जब ये घर आया था तब 3 महीने का था, एकदम सीधा साधा था, हम लोग को लगा ये भी लड़का होगा करके, लेकिन तो लड़की निकली। पैरोट अगर ज़्यादा गुस्सा दिखाता है तो मतलब लड़की है, उसका चेहरा भी देखो गोल जैसा रहता है,
जैसे रामा, और रामा का चेहरा डब्बे शेप में होता जा रहा है, स्क्वायर शेप में, वो लड़का है। कृष्णा का भी चेहरा है वो भी डब्बे शेप का है, तो वो भी लड़का है, शांत मन वाले वाला लड़के हैं ये। देखो रामा को सिर्फ प्यार चाहिए, उंगली तो एकदम आ जाता है जल्दी से, कोई नखरा नहीं दिखाता। ये देखो उंगली दूंगा आ जाएगा, ये देखो अब आ जा कंधे पे आएगा, ये आ गया रामा कंधे में आ गया, रामा खुश। इसको उंगली कर दो तो गुस्सा दिखाता है, ये काटेगा अभी, अभी ये काटा, ये काटा। पहले तो हम लोग राधे को उंगली में बैठाते थे तो काट देता था जोर से, अभी ये धीरे धीरे बैठना सीखा, मजबूरी रहती तो ही आता है ये उंगली पे, नहीं तो नहीं आता। और कृष्णा का क्या ही बोले, वो बात करने लग जाए और फ्रैंक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये भी गुस्सा करता ही है क्योंकि हम लोग उंगली वगैरह लाते हैं इसको बैठाने के लिए, चोंच के पास लाते हैं उंगली तो गुस्सा करता है ये। हाँ इसको खिलौना दे तो फिर खुश हो जाता है अभी। बाकी राधे को जैसा पैरट तो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था, ऐसा भी पैरट होता होगा, एकदम चालाक, निडर, गुस्से वाला, एकदम होशियार पैरट, एकदम चंट रहता है, लड़ते रहते हैं बस इन तीनों, वो छीना छपटी भी चालू रहती है हमेशा इन लोग के बीच में। ये देखिए इसको उंगली दूंगा ये काटेगा, धीरे धीरे पकड़ेगा फिर काट देता है जोर से, बहुत चालाक है ये। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ऐसी अपडेट वीडियोस के लिए। थैंक यू।